धन्यवाद सभापति महोदय जी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी का, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति का उन्नयन करके केंद्रीय संस्कृत विद्यालय के माध्यम से संस्कृत का समृद्धि की तरफ बढ़ाने की दिशा में यह जो कदम बढ़ाया गया है यह वास्तव में बहुत सराहनीय है। संस्कृत प्यार की, ज्ञान की, संस्कार की और संस्कृति की भाषा है। अभी हमारे जब इसका शुभारंभ किया सतपाल जी ने, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी। संस्कृत कहती है यम वैदिक का मंत्र दृश्य पुराना इंद्रम यमम मातर ईश्वर माहू वेदांत नो निर्वचनीय एकम यम ब्रह्म शब्देन विनिर्देशंती शैवायम ईशम शिवित्य बोचन यम वैष्णवा विष्णु ऋतु अस्तवंती उद्धस्तता रणनीति बौद्ध जैना सश्री अकाले चा शिक्ष संत शास्त्रेति केचित कतिचित कुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यम प्रार्थयन्ते जगदीश तारम स एक प्रभुर द्वितीय। दिस इज द ब्यूटी ऑफ संस्कृत। संस्कृत भाषा वेद पुराण काव्य आयुर्वेद नाट्यशास्त्र योग शिल्प वृक्षायुर्वेद व्याकरण गणित ज्योतिष नीति शास्त्र दर्शन आदि के अध्ययन का संस्कृत में जितना विपुल भंडार है इतना दूसरे में इसमें देखने को नहीं मिलता है। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। हमारा देश वैश्वीकरण की दौड़ में आगे बढ़ रहा है और चाइना हमारे साथ में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। हम लोग कुछ सांसदों के साथ हम लोग कनॉट प्लेस पर टहल रहे थे और वहां पर चीन के कुछ युवक जो है ना आगे जा रहे थे, हम लोग हिंदी में बात कर रहे थे और उन्होंने पलटकर जवाब दिया, हिंदी में उन्होंने उसका उत्तर दिया और उन्होंने हम बड़े आश्चर्य से हम लोगों को देखा कि उन्होंने हिंदी में उत्तर दिया और उन्होंने कहा कि हमको हिंदी भी आती है और हम संस्कृत का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो हमारे वेद पुराण हमारे ग्रंथों को पढ़कर हमारे देश के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं वैश्वीकरण की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए। आज दुनिया के अनेक राष्ट्र, अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने बताया, हमारे अनेक वक्ताओं ने इस बात को दृढ़ किया, चाहे अमेरिका की बात हो, चाहे इटली की बात हो, चाहे थाईलैंड की बात हो, म्यांमार की बात हो, जर्मनी के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत को प्रमुखता से पढ़ाया जा रहा है। अमेरिका के लगभग 35 से 50 विद्यार्थी आज जो है ना वाराणसी में है और वहां पर केवल डिग्री या डिप्लोमा नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, वो 3 साल का जो है ना कोर्स करके जो है ना डिग्री लेना चाहते हैं ताकि वो अपने देश में जाकर संस्कृत के बारे में प्रचार प्रसार कर सके। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया में मैं सुबह से, मैं यहां पर भी रहता हूं तो मार्निंग वॉक पर जाता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में सुबह प्रातः भ्रमण के लिए गया, मैंने एक स्थान पर देखा एक मैदान में बहुत बड़ी संख्या में वहां पर लोग बाग योग करने के लिए एकत्रित हुए हैं और वहां पर एक ऑस्ट्रेलियन युवक जो है ना वो संस्कृत में वेद मंत्रों का उच्चार कराकर उसने योगा का कार्यक्रम प्रारंभ कराया। मुझे मन को बड़ा बहुत बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे देश से न केवल योग आज विदेश में जा रहा है बल्कि संस्कृत के बारे में हमारे देश से और देश के बाहर में जाकर लोग हमारे देश को जानने के लिए संस्कृत को समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर जितने भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी सभी वक्ताओं ने इस केंद्रीय संस्कृत विद्यालय का इन्होंने समर्थन किया, एक भी वक्ता ने इसका विरोध नहीं किया, सभी ने इसका समर्थन किया। कुछ लोगों ने अपने स्थान की आवश्यकताओं के अनुरूप और वहां पर विश्वविद्यालय की बात रखी, अन्य मतलब भाषाओं के लिए भी विश्वविद्यालय का स्थापित किया जाने की बात रखी, ये एक स्वागत योग्य कदम है। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय मंत्री जी से, मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने ऑस्ट्रेलिया का हमने उदाहरण देखा, मैंने चीन के बारे में आपको बताया, अभी आपने बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा जो बात रखी गई उसमें सभी के द्वारा इस बात को कहा गया कि संस्कृत जो है ना संस्कृत बहुत विपुल भंडार वाली भाषा है और हमारे कर्नाटक में एक गांव है, कर्नाटक का जो शिमोगा जिला है, इस शिमोगा जिले का एक छोटा सा गांव है मुत्तूरु, इस मत्तूर गांव का जो आम भाषा है वहां के लोग जो ना आम भाषा में जो बात करते हैं वो संस्कृत भाषा में बात करते हैं। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले में एक गांव है और वहां के हमारे सुरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, उन सुरेंद्र सिंह चौहान जी ने एक पहल की और उसकी पहल का परिणाम यह हुआ कि आज उस गांव का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक
पूरा गांव जो है ना संस्कृत भाषा में ही जो है ना उसको संपर्क भाषा का माध्यम उन्होंने बनाया हुआ है। ये उदाहरण है, इन उदाहरणों से हमको प्रेरणा मिलती है कि हम अगर इस क्षेत्र में हम काम करने के लिए आगे बढ़े तो संस्कृत हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र के विकास में बहुत हमको बड़ा योगदान दे सकती है। हमारे कुछ मित्रों ने बात कही, मैं अपनी बात एक श्लोक के साथ, मैं आदरणीय सभापति जी का इशारा समझ रहा हूं और मैं एक श्लोक के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि संस्कृत जो है ना सबको बांधने का काम करती है, संस्कृत सबको जोड़ने का काम करती है। बुद्धो जिनेन्द्रो गोरक्षा, शंकरश्च पतंजलि, रामानुजो चैतन्य, कबीरो गुरु नानका, ज्ञानेश्वरस तुकारामा, समर्थो मत बल्लभव, नरसिस तुलसीदास है, कंबय साधु कुलोत्तमान, और नायन मारा लवाराश्च तिरुवल्लुवरस तथा। हम सबके प्रति आदर रखते हैं, सबके प्रति प्रेम करते हैं, सभी उपासना और पद्धतियों के प्रति प्रेम करना ये संस्कृत भाषा सिखलाती है। इस संस्कृत भाषा के लिए, संवर्धन के लिए यह जो विधेयक लाया गया है, मैं इसके समर्थन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वीरेंद्र कुमार जी।